नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल, आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लास में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन जो है आपके लिए SSC रेलवे UPSC तथा स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके डेली करंट इशूज और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी F-21 और T-10 पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान ने जो है चीनी F-21 और T-10 पर जो है यहाँ पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं कि ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 21 और T-10 के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। तथा ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। यह जो पहल चलाई गई है किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है, जहां पर सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भाई भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी तक था, इससे पहले तक था रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोरोमो जॉब्स ऐप। गूगल ने जो है भारत में आवेदन के लिए कोरोमो जॉब्स ऐप का जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि गूगल भारत को एक ऐप लेकर आ रही है भारत के लिए, जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम क्रोमो जॉब्स होगी। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों की तलाशने में मदद मिलेगी और इस ऐप से नौकरी तलाश करने वाले लोगों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस IIT संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने जो यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाते हुए शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। साथ ही आप देख सकते हैं कि IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला को शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। तो IIT खड़गपुर जो है ऐसा करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिमा को बढ़ावा देना है। यहाँ पर जो क्या है कि इस तरह की अकादमी शुरू करने से क्या होगा कि संस्थान के जो छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर रचनात्मक प्रतिभा जो उनके अंदर उसको बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है टेस्ला। टेस्ला जो है सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हाल में ही टेस्ला को चक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया है। यदि नेवार्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकती है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर जो है लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर की लिस्ट में बना हुआ है, टॉप पर बना हुआ है। यदि यहाँ पर बात करें तो दूसरे स्थान पर है सूरत, जो कि दूसरे स्थान पर है सफाई के मामले में, और तीसरा है जो हमारा वो है नवी मुंबई। तीसरे स्थान पर है हमारा नवी मुंबई। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रिपोर्ट आई है अभी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो आसानी से। साथ ही यदि बात करें इसके बारे में यहाँ पर,
तो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जो है 2016 से शुरू की गई थी और 2017 से लगातार 2020 तक जो इंदौर है यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर स्थित है। यदि बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगभग चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण जो है हर साल 2020 में करवाया जाता है, इस साल भी किया गया और इसका जो परिणाम घोषित किया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषित किया गया है, जिसमें इंदौर लगातार चौथी बार और सूरत दूसरे स्थान पर तथा नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रीम इलेवन ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 222 करोड़ रुपए में यहाँ पर ड्रीम इलेवन ने आईपीएल 2020 सीजन के लिए जो है स्पॉन्सरशिप राइट खरीद लिए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि ड्रीम इलेवन ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रयोजन का अधिकार हासिल किया है और यह कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है, जहां ड्रीम इलेवन पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय कि इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यूएई में जो है यहाँ पर आईपीएल इस साल किया जाने वाला है और जहाँ इसका जो स्पॉन्सरशिप का टाइटल है वो वीवो ने खरीद लिया है, वो भी 222 करोड़ रुपए में 4.5 महीने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।